भीलवाड़ा के पारोली में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर बालिकाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जैसलमेर के रामदेवरा में पोकरण डीएसपी नानक सिंह को रामदेवरा पुलिस थाने में बधाई दी गई। इस दौरान डीएसपी नानक सिंह ने बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने यहां जग विख्यात बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। बूंदी में बाबा बजरंग दास के निधन के बाद पहली गुरु पूर्णिमा पर उनके शिष्यों ने मांडपुर गिंडोली पहाड़ी सड़क मार्ग पर श्रमदान कर उन्हें याद किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में परिवहन विभाग कार्रवाई के कस्बे के संस्था संचालक और बाल वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा में लाखों रुपए की लागत से बना गौरव पथ 30 महीनों में ही खस्ताहाल हो गया। सड़क पार करके जगह जगह से दरारें पड़ गई हैं। गौरव पथ को वापस सही करने की मांग है। अलवर के नीमराणा में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह। अधीक्षक मनीष त्रिपाठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। टोंक जिले के पीपलू में बालखंडिया मोड़ के पास माशी बांध की नहर पर बनी पुलिया पूरी तरह जर्जर। निर्माण विभाग ने ग्रामीणों की सूचना पर बड़ा हादसा टालने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाकर चालू किया। अलवर के बानसूर में युवा जागृति संस्थान की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान गोकुल सैनी के नेतृत्व में सरकारी स्कूल में कुल 200 पौधे लगाए गए। अलवर के बानसूर में मत्स्य कॉलेज में मतदाता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बानसूर एसडीएम दीनानाथ बब्बल ने बालिकाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपने मत का उपयोग करने के बारे में जानकारी दी। बारा के अंता में इन दिनों गाजर घास का प्रकोप बढ़ रहा है। इसका प्रकोप न सिर्फ हड़ौती इलाके में है बल्कि पूरे राजस्थान में फैल रहा है। बूंदी में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। यह पानी चंबल पेयजल परियोजना की पाइपलाइन में बह रहा है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद कोटा में भारत का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां 525 शिवलिंगों के दर्शन एक साथ होते हैं। सावन के मौके पर यहां जलाभिषेक करना विशेष फलदायी माना गया है। बूंदी के हड़ौती में बना बरघा बांध ओवरफ्लो होने लगा है। बांध की क्षमता 21 फीट है। पूरे भर चुके बांध से तेज हवा चलने के साथ पानी में हलचल होने से पानी बाहर की ओर छलकता नजर आता है।